यादव रुख करेंगे खबरों का। 2000 की नोट बंद होने के चलते जहां एक तरफ लोग परेशान है, वही दूसरी तरफ ज्वेलर्स की चांदी है। बड़ी तादाद में लोग सोना खरीद रहे हैं। 2000 के नोट के बदले सोने की खरीद तेज। प्रीमियम दरों पर सोना बेच रहे हैं ज्वेलर्स। 2000 के नोट के बदले सोना का रेट ज्यादा, तय रेट से 3000 से अधिक प्रीमियम ले रहे हैं। नोट के बदले 67,000 प्रति 100 ग्राम सोना की बिक्री। नोटबंदी से फिर मालामाल हो रहे हैं ज्वेलर्स। आम से लेकर खास लोगों का गोल्ड पर जोर, यानी कि 2000 का नोट पर बैन होने से, 2000 की नोटबंदी होने से फिर से एक बार ज्वेलर्स मालामाल हो रहे हैं। 2000 की नोटबंदी में बड़ी तादाद में लोग सोना खरीद रहे हैं। 2000 के नोट के बदले सोने की खरीद तेज हुई है। प्रीमियम दरों पर सोना बेच रहे हैं ज्वेलर्स। 2000 के नोट के बदले सोना के रेट ज्यादा, तय रेट से 3000 से अधिक प्रीमियम ले रहे हैं। नोट के बदले 67,000 प्रति 10 ग्राम सोने की बिक्री। नोटबंदी से फिर मालामाल हो रहे हैं ज्वेलर्स। आम से लेकर खास लोगों का गोल्ड पर जोर। नोट के बदले 67,000 प्रति 10 ग्राम सोना की बिक्री। नोटबंदी से एक बार फिर से ज्वेलर्स के दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। आम से खास लोगों का गोल्ड पर जोर है, यानी कि लोग गोल्ड लेने पर जोर दे रहे हैं। 2000 की नोटबंदी से ज्वेलर्स की चांदी, बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं सोना। 2000 के नोटों के बदले सोने की खरीद तेज। प्रीमियम दरों पर सोने के रेट, 2000 के नोट के बदले सोने के जो है वो तय रेट से 3000 से अधिक प्रीमियम रेट। नोट के बदले 67,000 प्रति 10 ग्राम सोना बिक्री। दो हजार की नोटबंदी से ज्वेलर्स की चांदी, बड़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं सोना। संवाददाता स्वाति पाठक और दानिश अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, आपका रुख करेंगे। स्वाति, देखिए, जहां नोटबंदी के चलते एक तरफ कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही ज्वेलर्स की चांदी नजर आ रही है। वजह यह है कि लोग बड़ी तादाद में अब सोना खरीद रहे हैं। जो आरबीआई ने फैसला किया कि 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, हालांकि अभी 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है कि लोग अपने नोट को बदल सकेंगे। अब जिनके पास 2000 के नोट हैं, वो ज्वेलर्स के दुकान में पहुंच रहे हैं, वहां पर गहने खरीद रहे हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा ज्वेलर्स उठा रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि जो भाव में सोना मिल रहा है उससे बढ़ाकर लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि अब लोग भी मजबूर है। हालांकि वक्त सरकार की तरफ से दिया गया है और ये भी लोगों को समझना होगा कि अभी 30 सितंबर तक का वक्त है जब नोट लोग बदल सकेंगे। इसके लिए अब समझा जा सकता है कि अभी मई का महीना चल रहा है और सितंबर तक का वक्त है, तो लंबा वक्त दिया गया है नोट बदलने का। लेकिन अभी जो ज्वेलरी की दुकान है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिनके पास 2000 के नोट है वो वहां पर जाकर गहने खरीद और इसका कहीं ना कहीं जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि दिल्ली हो या अलग अलग राज्य हो,
वहां पर इसका फायदा जो है वो उठाया जा रहा है और जो सोना का भाव बाजार में है उससे बढ़ाकर आम लोगों से लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सीधे तौर पर आम लोगों को भी हो रहा है, जो आरबीआई ने फैसला लिया अचानक से, चूंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो 2000 के नोट ज्यादा नहीं मार्केट में था, चलन में नहीं था, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने 2000 के नोट अपने पास रखे हुए थे वो अब उसका इस्तेमाल सोने की खरीद में भी कर रहे हैं और इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग सोने की दुकान पर पहुंच रहे हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर जी, जो जी, स्वाति हमारे सहयोगी दानिश जुड़े उनका रुख करेंगे। दानिश, जैसे स्वाति ने भी बताया कि जो 2000 की नोटों से जो लोग हैं ज्वेलरी शॉप पर जा रहे हैं ज्वेलरी खरीदे, इसका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है और वजह यह है कि तय रेट से 3% बढ़ाकर जो है बेचा जा रहा है। ये जो दुकानदार है इस प्रकार के कालाबाजारी कर रहे, 3% बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ 2000 के नोटों से ज्वेलरी खरीदने वालों के साथ किया जा रहा है या फिर अन्य जो ग्राहक है उनके साथ भी ये हो रहा है? देखिए, जैसे जिक्र मैंने कल भी इस बात का किया था कि जिस तरीके से 2000 के नोट बंद किए गए हैं तो उसके बाद से जो आम दुकानदार है वो 2000 के नोट लेना उसने बंद कर दिया, वो पैसे नहीं ले रहा है। और ऐसे में जब ऐसे कोई मामलात आते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर हम ये कहें कि दो नंबर के की कमाई हो, पैसा हो, तो वो खपाने का सबसे जो सरल रास्ता होता है वो होता है ज्वेलरी, कि आप ज्वेलर्स के पास जाइए, उसको पैसा दीजिए और उससे ज्वेलरी ले लीजिए। यहाँ जब पहले नोटबंदी हुई थी उसमें भी यही देखने को मिला था कि ज्वेलर्स ने बड़ी कमाई करी थी, लोगों से कैश लिया, जो नोट बंद हो चुके थे वो लिया और उसके बाद उनको सोना दे दिया, क्योंकि ज्वेलर्स के पास पूरा ताना बाना होता है उस पैसे को जमा करके दोबारा से वाइट करने का। लिहाजा जब ये 2000 के नोट बंद हुए हैं तो एक बार फिर ये कालाबाजारी शुरू हुई है। तकरीबन 60,000 रुपए में सोना इस वक्त चल रहा है, लेकिन 62,000, 63,000, 65,000 रुपए तोले के हिसाब से लोग जो है 2000 के नोट देते हैं और उनसे सोना दे लेते हैं। चूंकि जमीनी स्तर पे वो तैयारियां नहीं करी जाती, जिस तरीके से मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जमीनी स्तर पे वो तैयारियां नहीं करी जाती, जिससे आम आदमी, क्योंकि अगर एक महिला है उसके पास अगर 1.5-2 लाख रुपए रखे हैं और वो 2000 के नोट है, वो बैंक के चक्कर कैसे लगाएगी, वो कैसे जो है अपना काम छोड़, अपने घर का काम छोड़ के, या फिर उसके हस्बैंड हैं वो अपना काम छोड़ के कैसे बैंकों के चक्कर लगाए जाएंगे। उनके लिए ये एक सफिशिएंट एरिया है कि हाँ 2-3 हज़ार रुपए अगर ऊपर दे के उनको सोना मिल रहा है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो वहीं जिनके पास काला धन है, जिनके पास अकूत पैसा भरा पड़ा है और उसमें 2000 के नोट है, तो उनके लिए भी ये एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद कर उस पैसे को वाइट कर सकते हैं। तो ज़मीनी स्तर पे जो तैयारियां होना चाहिए, जब ऐसे कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरे देश के जो डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल पे टीमें बनाई जानी चाहिए ऐसे जगहों पर जहाँ पर इस तरीके के पैसों को काले धन, क्योंकि सरकार का सीधा कहना है ना कि यहाँ हम ये जो बंदी कर रहे हैं वो काला धन को जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, जिनके पास पैसा रखा हुआ है जो काला धन है वो जो है बाहर आ सके। लेकिन जब वो पैसा काले से सफ़ेद हो जाएगा, यानी ब्लैक से वाइट हो जाएगा ऐसे चीज़ों की वजह से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके की बंदी करने का, इस तरीके से नोट बंद करने का। तो लिहाजा ये जो तैयारियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीमें होनी चाहिए, वो बाकायदा चेक करें कि हाँ कहाँ पर पैसा है, कहाँ पर ये पैसा खपाया जा रहा है, कहाँ पर ये प्रतिशतों के हिसाब से बदला जा रहा है, कहाँ पर किस दुकानों पर इन पैसों को खपाया जा रहा है। जब तक ये निगरानी नहीं होगी तब तक इतने बड़े फैसले को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फैसला सही साबित हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो काला धन इकट्ठा हुए थे उसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया, नोटों पर बैन लगाया गया, लेकिन जिनके पास भी ये नोट है वो किसी भी तरह से वाइट करने में लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी एसएस झांसी से जुड़े महसूस का रुख करेंगे। एसएस, उस प्रकार की गतिविधियां क्या झांसी से भी सामने आ रही है क्या? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में जब से नोटबंदी की बात हुई, तो 2000 का नोट बंद का ऐलान हुआ है, तब से तमाम लोग हैं जो परेशान हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम भारत समाचार की टीम जो देख सकते हैं सराफा बाजार है, यहाँ पहुँची है, सारे लोग अभी दुकान खोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 2000 का नोट जो व्यक्ति देता है, तो ज्वेलरी खरीदता है, तो 5000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। हालांकि कोई भी दुकानदार बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना जो पैसा रखा हुआ है 2000 रुपये वाला,
तो वो पैसा कि अपने ज्वेलरी खरीद रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, देख सकते हैं यहाँ दुकान पर पहुंचे तमाम दुकानदार खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी मेरा मुकेश अग्रवाल है अध्यक्ष। ये बताइए क्या लग रहा है, किस तरीके का ये सरकार नोटबंदी को लेकर तमाम लोग जो आ रहे हैं पैसे लेकर आ रहे हैं और उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? रूमर तो है, सुना तो है कि इस तरह का हो रहा है और जो छोटे हमारे कस्टमर हैं उनके पास नहीं है, वो 2,000 का नोट वो नहीं ला रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं उनके वो जरूर आ रहे हैं लेके। और जो है अभी 6 महीने पहले तब रूमर उड़ी तो ये छोटे जो कस्टमर थे ग्राहक थे उन्होंने तो पैसा निकाल दिया जैसा सुना है, लेकिन अब जो है बल्क में जो है वो जिनके पास पैसा है वो सब जानते हैं किनके पास है, वही लेने आ रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, सराफा के अध्यक्ष हैं, तो आपको जानकारी इस बात की है कि आप 2,000 रुपये के देने के बाद एक्स्ट्रा 5,000 रुपये दिया जा रहा है, तो आपके संज्ञान मामला है? सुना है लेकिन अभी जो है हमारे उसमें नहीं आया, लेकिन सुना जरूर है कि इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये जो सब अगर ऐसा कोई करता है तो ये गलत है। ये भैया हमारे साथ क्या लगता है? पब्लिक तो खुश है, आम जनता तो खुश है नोटबंदी से, और बड़े लोगों को ही कष्ट है जिनके पास पैसा है, जो जीरो से हीरो बने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा इस प्रकार की जो गतिविधियां है वो सामने आ रही है, जिनके पास अधिक पैसा है वो कोशिश करें किसी भी प्रकार से वाइट करने की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और सीधे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गोरखपुर लिए चलते हैं।